जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसका रिजल्ट मतलब रिजल्ट की डेट आ गई है। रिजल्ट अभी नहीं, रिजल्ट की डेट आ गई है कि क्या किस डेट में रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक आंसर की चल रहा है कि इसका जो 25 फरवरी से 11 मार्च तक एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की, इसका कुछ बच्चों की आंसर की आ गई है, कुछ बच्चों की नहीं आई है। तो टेंशन नहीं लें जिनकी नहीं आई है, वेट करें, मंडे को उनकी आंसर की आ जाएंगे, नहीं कल तक उनकी आंसर कीज आ जाएंगी और अपना मिला सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आंसर की एक मोटा सा अंदाजा हो सकता है कि हम पास हैं या फेल हैं, हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, ये बाकी रिजल्ट आने पे क्लियर होगा कि आपके फाइनली कितने मार्क्स हैं, कितना आपका रिजल्ट है। और देखिए, जो जर्नल के बच्चे हैं आंसर कीज से पता चल जाएगा कि वो पास है या फेल। तो जिनका 40% जनरल कैंडिडेट का जिनका 40% मार्क्स है, जिन्होंने गेट कर लिया 40%, तो वो टाइपिंग की तैयारी आज से अभी से करना शुरू कर दें। और जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी हैं, बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं, उनका 35% था पासिंग मार्क्स, अगर उनका 35% है तो वो भी टाइपिंग की तैयारी कर लें। उन लोगों को टाइपिंग के लिए जरूर रिकॉल किया जाएगा, जरूर कॉल किया जाएगा। तो टाइपिंग बहुत ज्यादा टफ होती है, तो आप लोगों को टाइपिंग पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो बात कर लूं मैं रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखिए 27-28 तक रिजल्ट आ जाएगा आपको, 27-28 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। आज की तारीख है 19 तारीख है, और 7-8 दिन आप 1 वीक का वेट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आंसर कीज नहीं आई है, वो मंडे तक अपना आंसर कीज आ जाएंगे, वो अपना मिला लेंगे और अपना पता कर लेंगे कि कितने नंबर हैं कितने नहीं। और रिजल्ट आपका आएगा 27 से 28 फरवरी के बीच, आपका मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।